नील भट्ट और आयशा सिंह का घूम है किसी के प्यार में इन दिनों अपने ट्विस्ट और टर्न्स के कारण लोगों के निशाने पर बना हुआ है। दरअसल शो में सई को हर तरफ से हार का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहकर भी अपने बेटे विनायक को बता नहीं पा रही है कि वही उसकी असली माँ है। लेकिन जल्दी गुम है किसी के प्यार में बड़ा फेर बदल होने वाला है। दरअसल सई अपनी बेटी सवी के साथ रहने के लिए चव्हाण निवास चली जाएगी। वहीं ये सब देख पत्रलेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। गुम है किसी के प्यार में कोर्ट केस हारने के बाद सई विनायक को सच बता देगी कि वो ही उसकी असली माँ है, लेकिन विनायक उसकी जगह पत्रलेखा को अपनी माँ के तौर पर चुनेगा। हालांकि बाद में वो दोनों माओं के साथ एक ही छत के नीचे रहने की इच्छा जताएगा। उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भवानी खुद सई के सामने अनुरोध करेगी कि वो चव्हाण निवास में वापस आकर रहने लगे। गुम है किसी के प्यार में एंटरटेनमेंट का तड़का तब लगेगा जब खुद सई अपनी बेटी के साथ चव्हाण निवास में कदम रखेगी। शो में दिखाया जाएगा कि डोर बेल की आवाज़ सुनकर पत्रलेखा दरवाज़ा खोलेगी। पहले तो उसे दरवाजे पर विराट नजर आएगा, लेकिन बाद में सई और सवी की भी वहाँ एंट्री होगी। बाकी तीनों को एक साथ देखकर हैरान रह जाएगी। मौके का फायदा उठाते हुए सई पाकी से कहेगी कि वो इतनी ज़्यादा हैरान ना हो, ये यहाँ रहने के लिए आई है क्योंकि ये घर उसके बच्चों का भी है। सई के इस फैसले से पाकी निराश और हताश होकर रह जाएगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।